हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन का, जो हमारा सब्जेक्ट है साथियों सिविल इंजीनियरिंग का। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो न्यू सिलेबस है, जो हमारे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कोड BCE403 है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वाला सिलेबस फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप सारे वीडियो को देखते जाइएगा, ठीक है। सिलेबस ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे पहले ही पुराना है जो हमारा KCE403 का सब्जेक्ट कोड था, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो कई सारे स्टूडेंट उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा जो उसका जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ लेवल मैंने इसको इंक्रीज किया है ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं और न्यूमेरिकल इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि जो पुराने टाइम में था जो थोड़ा न्यूमेरिकल कम आता था, बट अब न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम पेपर में, मैं उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 4 की। यह साथियों, यूनिट 4 में मैंने पार्ट 1 की बात किया था, जिसमें मैंने जेट के बारे में बात किया था, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट जो था। दूसरे में मैंने बात किया था, पार्ट 2 में मैंने बात किया था साथियों, उसमें मैं बात किया था रिसिप्रोकेटिंग पंप का, ठीक है। जो रिसिप्रोकेटिंग पंप थे उसके मैंने बात किया था यहाँ पर पार्ट 2 में, ठीक है। अब पार्ट 3 में बात कर रहा हूँ यहाँ पर कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का मैं यहाँ पर बात करूँगा। बट साथियों, ये पार्ट जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा वास्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 वीडियो में सेंट्रीफ्यूगल पंप को ख़त्म करने में, ठीक है। इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या बताया, टाइप्स वर्किंग इलास्टिक ट्रायंगल, ठीक है। इसमें मैं आज पहले 1 में बात कर लूँगा, दूसरे में मैं बात करूँगा जहाँ तक जो उसके इलास्टिक हेड हैं, ठीक है, जो हेड हैं, और जैसे हमारा कविटेशन हो गया, NPSH हो गया, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ, और यहाँ पे था ना कि मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसके बाद हमारा सिलेक्शन ऑफ पंप है, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी तुमको देखना है। इसलिए इसका कोशिश है कि ये हमारा 3 से 4 वीडियो जाएगा, ठीक है। मतलब कि टोटल अगर बात करें तो यूनिट 4 जो हमारा है उसके लिए हम 4 to 6 लगभग 6 वीडियो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई जल्दबाजी मत करिएगा साथियों, आप वीडियो को देखते जाइएगा। ये मत सोचिए कि बहुत सारे स्टूडेंट मांगते हैं कि 1 शॉट वीडियो दे दीजिए। साथियों, सिलेबस ही इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें से हम एग्जाम टाइम में थोड़ा कंसाइज करके पढ़ा रहे हैं, और उसमें से भी आप 1 आवर की वीडियो में सोच रहे पूरा यूनिट खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा भी होता भी है तो आप पक्का एग्जाम में फेल होकर आएंगे, ठीक है। अगर कोई दूसरा बताता भी है कि हमको 1 शॉट वीडियो में आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप पक्का कुछ ना कुछ मिस करके आओगे, या फिर आप एग्जाम टाइम में परेशान जरूर होगे। इसलिए साथियों, मैं कहता हूँ कि एक बार आप डिटेल में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप डिटेल में वीडियो देखे रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ वहाँ लिख के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और साथियों, आप सभी साथियों को थैंक यू, आपने टेलीग्राम पर हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का वीडियो है, ठीक है। टाइप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसके टाइप्स देखेंगे, वर्किंग क्या है, इलास्टिक ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। हमने बात किया था ना रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये साथियों, पंप क्या है, पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होती है, ठीक है, जो जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, वाटर को, ठीक है, ट्रांसफर या मूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बात किया, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम डिजाइन करते हैं फ्लूड को मूव कराने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे मूव होता है, यहाँ पे हम रोटेशनल एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, रोटरी के द्वारा, ठीक है, जिनको हम इंपेलर बोलते हैं। यहाँ पे मीन्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ रोटेशनल एनर्जी फ्रॉम 1 or more ड्राइविंग मोटर्स। यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी होती है, उसके द्वारा हम फ्लूड को मूव कराने की कोशिश करते हैं, और जो जिसके द्वारा मूव कराते हैं, जो रोटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंपेलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूड होता है, ये साथियों यहाँ पे देखिए, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे ये मोटर पंप, तो देखे होंगे अगल बगल, तो वहीं से हम ये यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से इधर मोटर लगा होता है, इधर एक सक्शन पाइप होता है, ठीक है, यहाँ फ्लूड इंटर करता है, और एक इधर इंटर करता है आई, मतलब साथियों क्या होता है, बिल्कुल मिडिल में, इसलिए इसको हम बोलते हैं आई, ठीक है। यहाँ से इंटर करता है, फिर ये जहाँ पे इसका इंपेलर होता है, जो अंदर एक देखेंगे ब्लेड लगी होती है, ब्लेड मूव करती हैं, उसको कौन मूव करता है, जो ब्लेड होती है ना, उसको ही हम यहाँ पे इंपेलर बोलेंगे, अभी बताएंगे आपको, ये देखिए इंपेलर है, ठीक है। अब मूव करती है तो उससे क्या होता है, वाटर मूव करके इस साइड आता है, फिर यहाँ से हमारा डिलीवरी पाइप जो होती है वहाँ से हमारा वाटर बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अभी मैं इसको डिटेल में बात करूँ कैसे वर्क करता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही हमारा जो वाटर है वो सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग आ जाता है, फिर मूव करते करते बाहर आ जाता है। ये भी मैं बात करूँगा। द एक्शन ऑफ द इम्पेलर इंक्रीजेज द फ्लूड इलास्टी। अब यहाँ पे इम्पेलर क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, इम्पेलर इंक्रीज द फ्लूड इलास्टी एंड प्रेशर
आल्सो डायरेक्ट टूवर्ड द पंप आउटलेट, मतलब कि वेलासिटी और प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। साथ ही फ्लूड इलास्टिक को यहाँ पर भी रिड्यूस करेगा, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बट यहाँ प्रेशर को इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे जो डिपेंड करता है, मतलब दोनों को चेंज करता है, वेलास्टिक को चेंज करता है, प्रेशर को चेंज करता है, और आउटलेट की ओर पंप को ले जाने के, मतलब वाटर को ले जाने के लिए वो क्या करता है, वहाँ पे उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, मेन मोटिव आपको पता चल गया। थोड़ा सा मैं डिटेल बात करूँगा, इतना ही मत आप सोचिएगा कि इतना ही है, बहुत डिटेल है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ केसिंग, यहाँ पे दो, अगर केसिंग के हिसाब से बात करें साथियों, केसिंग क्या होती है, ये जो है हमारा, ये जो केसिंग, ये है जो इसको बंद करता है, ठीक है। ये जो केसिंग है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये केसिंग है, ठीक है। यहाँ होता है वॉल्यूट पंप, और होता है टर्बाइन और डिफ्यूजन पंप, ठीक है। वर्किंग हेड की बात करें तो यहाँ पर एक है लो लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप, जहाँ पर हमारी हेड की ज़रूरत है 15 मीटर तक की, वहाँ हम यूज करते हैं कितना, लो लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप की। अगर हमको और हाई हेड की ज़रूरत है तो यहाँ पे यूज करते हैं मीडियम लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ये वर्क करता है 40 मीटर के हेड तक, ठीक है। अच्छा, हेड क्या बात करते साथियों, मान लीजिए यहाँ पे आप घर में देखे होंगे, आपके यहाँ छोटी सी मोटर लगती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही एक एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या लगा है, पंप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका पंप लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन पानी क्या यहाँ से नहीं उठता ना, नीचे आपका बोर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से पानी उठता है, फिर इसके ऊपर ऊपर भेजा जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो है हाइट है उसको हम यहाँ पे हेड बोल रहे हैं, ठीक है, ना कि यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ टोटल हेड बोला जा रहा है, ठीक है, हाई एज अ हेड, ओके, समझ गए होंगे आप। अब हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ होता है, जहाँ पे हमको वाटर, जहाँ पे हमको लिक्विड 40 मीटर के हेड से ज़्यादा डिलीवर करना होता है, मतलब कि लगभग 40 मीटर का हेड हो या फिर उससे ज़्यादा हेड हो, तो उसको हम वहाँ पर यूज करते हैं, हम हाई लिफ्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, लो हमारा 15 मीटर का है, मीडियम हमारा 15 से 40 मीटर हो जाएगा, और हाई लिफ्ट पर सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा हमारा 40 मीटर के एबव। अब हम बात करते हैं लिक्विड हैंडल, इसमें भी हम अलग अलग टाइप के लिक्विड हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड हैंडल या फिर बोल रहे हैं कि एट द बेसिस ऑफ द इम्पेलर, दोनों एक ही है, ठीक है। ये बेसिस ऑफ इम्पेलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ाऊँगा, ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगा बिल्कुल आराम से, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक है हमारा क्लोज्ड इम्पेलर पंप, सेमी ओपन इम्पेलर पंप, या फिर नॉन क्लॉक पंप बोलते हैं, और बोलते हैं ओपन इम्पेलर पंप, ठीक है। इसको मैं अभी फिगर से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ अगले 2-3 स्लाइड में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इम्पेलर्स पर शाफ्ट, एक होता है सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, जहाँ पे हमको सिर्फ 1 इम्पेलर मिलता है, ठीक है। जहाँ पे हमको लो लिफ्ट पंप, मतलब ये वाला, इसमें हम यूज करते हैं सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का होता है, जहाँ पे हमको 2 या 2 से अधिक इम्पेलर को ऐड कर देते हैं, उसमें मोटर में दो से अधिक इम्पेलर होते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर इज बिल्ट इन स्टेप्स, और जो प्रेशर होता है वो अलग अलग स्टेप में हम उनको इकट्ठा करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है। इनके यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको हाई वर्किंग हेड की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे नंबर ऑफ जो यहाँ पे स्टेजेज हैं, ठीक है, हमको 1 इम्पेलर लगाना है, 2 इम्पेलर लगाना है, 3 इम्पेलर लगाना है, वो कितना हमको हेड रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से यहाँ पे हम लगाते हैं। तो कुछ क्लासिफिकेशन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ केसिंग के हिसाब से होगी वॉल्यूट पंप्स, टर्बाइन पंप्स और डिफ्यूजन पंप्स, ठीक है। वर्किंग हेड में हमारे 3 हैं, लो लिफ्ट, मीडियम लिफ्ट, हाई लिफ्ट। लिक्विड हैंडल बोलें या फिर बोलें हम एज द बेसिस ऑफ इम्पेलर, तो क्लोज्ड इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और ओपन इम्पेलर। स्टेजिंग की बात करें या फिर नंबर ऑफ इम्पेलर्स की, तो सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप और मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ इंट्रेंस टू द इम्पेलर, ठीक है। जैसे भी मैंने साथ ही यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है, और देखिए एक इनलेट है, सिर्फ एक जगह से हमारा पानी जो है लिक्विड इंटर कर रहा है इम्पेलर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक है सिंगल इंट्री या फिर सिंगल सक्शन पंप, यहाँ पे एक ही सक्शन पंप लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर है या फिर लिक्विड है वो सिर्फ इम्पेलर के एक साइड से ही इंटर करेगा, ये हो गया सिंगल इंट्री या फिर सिंगल सक्शन। आगे बात करें तो यहाँ पे आता है साथियों डबल इंट्री या डबल सक्शन पंप। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है वो दोनों तरफ से इंटर करता है और एक्जली बाहर आता है, ठीक है। एक्जली थ्रेट इज न्यूट्रलाइज और एम्प्लॉयड फॉर द पंपिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूड, जहाँ पे हमको लार्ज क्वांटिटी में हमको पंपिंग की जरूरत होती है वहाँ पे हम डबल इंट्री या डबल सेक्शन पंप लगाते हैं। मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग में इसको बताया था एग्जाम्पल एक, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग के केस में। अब यहाँ पे आता है अगला रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द इम्पेलर, ठीक है। तो रेडियल फ्लो, ठीक है, अधिकतर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो हमारे में जो अधिकतर यूज होता है वो यही यूज होता है, रेडियली फ्लो पंप, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मूव करता है, ठीक है।
ये जब वाटर उधर से आता है तो जब ये मूव करता है ना, तो ये हमारा रेडियली, ठीक है, रेडियली जाता है ना बाहर की ओर, ऐसे जाता है ना, ये रेडियली मूव करता है, इसलिए इसको रेडियली बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, एक्सियल फ्लो पंप डिजाइन टू डिलीवर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैमरेट टू लो हेड्स। इसमें क्या होता है कि हमको वाटर की क्वांटिटी तो ज़्यादा मिलेगी, बट इसका जो हेड होगा वो कम होगा। ठीक है, जैसे इरिगेशन पर्पज में हमको हेड की जरूरत नहीं पड़ती हमको, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए खेतों में पानी की सिंचाई करने के लिए, क्योंकि हमको पानी कहीं ऊपर से चढ़ाना नहीं है, जस्ट हमको डिस्चार्ज करके थोड़ा सा हेड नहीं चाहिए, हमको खेत में निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लो एक्जली फ्लो पंप हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्लो पंप होता है जहाँ पे रेडियली एक्जली दोनों होते हैं, इसमें हम इसको भी हम इरिगेशन पर्पज के लिए हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथियों ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी भी, आपको 7 मार्क्स में भी आ जाएंगे। ठीक है, क्लासिफाई द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो आपको अलग अलग बेसिस में आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है, राइट डाउन करना होगा, तो आपको सारे लिखने पड़ेंगे, जो 7 मार्क्स में आ गया ना पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितना मैंने 6 को 6 बताया है। अब यहाँ बताते हैं साथियों यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप भी पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप हमने पढ़ चुका, लेकिन साथ ही जो हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ रहे थे वहाँ मैंने बताया कि ये, ठीक है, हाई हेड के लिए और जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में डिस्चार्ज हमको यूज चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता था, वहाँ पे इंटरमीटेंट फ्लो होता था, ठीक, कंटिन्यूअस नहीं मिलता था वहाँ पे, इंटरमीटेंट। ठीक है, जब पिस्टन इधर मूव करता, जब वाटर को प्रेशर, वाटर मतलब सिलेंडर को क्या होता था यहाँ पे फ्लो पुश करता था, तब हमारा वाटर मूव करता था बाहर की ओर, तो इंटरमीडिएट नहीं, तो इंटरमीडिएट था, मतलब रुक रुक के हमको पानी मिलता था, लेकिन अगर हम यदि हमको कंटिन्यूस चाहिए तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं। देखिए आप कैसे, पहला चीज़ बोला कि यहाँ पे जो कास्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो कम है, क्योंकि इसमें बहुत कम पार्ट होते हैं। जब हमने वहाँ पढ़ रहे थे रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो वहाँ हमने पढ़ा था सिलेंडर होता है, क्रैंक होता है, शाफ्ट होता है, पिस्टन होता है, ठीक है, फिर सक्शन वाल्व होता है, फिर डिलीवरी वाल्व होता है, सारी चीज़ वहाँ पर मैंने पढ़ा था, वहाँ पर उसके पार्ट्स ज़्यादा थे जिस कारण उसका पार्ट भी बढ़ जाता था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम सिर्फ कम ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों कम है, क्योंकि पार्ट्स कम है। ठीक है, तो हमको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों हमको ईजियर भी रहेगा और चीपर भी रहेंगे दोनों। अब इट इज डिस्चार्जिंग कैपेसिटी मच ग्रेटर दैन द डेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये तो हमको डिस्चार्जिंग कैपेसिटी चाहिए, मतलब डिस्चार्ज हमको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा रेसिप्रोकेटिंग पंप से। और यहाँ पर इसका जो अगर हम बात करें सेम साइज, अगर हमको सेम साइज की कैपेसिटी और एनर्जी चाहिए पंप से, और वहीं पे हम एक जगह रेसिप्रोकेटिंग पंप लगा रहे हैं, ठीक है, एक जगह हम लगा रहे हैं क्या सेंट्रीफ्यूगल, तो हमको जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाएंगे ना उसका साइज और वेट दोनों कम रहेगा एज कम्पेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इसका भी एडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कि साइज में कम्पैक्ट होता है और छोटा होता है, जिस कारण इसका वेट कम होता है। ठीक है, अगर वेट हमारा भी कम होता है और साइज हमारा कम होता है। अगर हम बात करते हैं इसका जो परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक है, इसको मैं आगे बात करूंगा यहाँ पे जब 7 से 8 लाख वाले वीडियो में, तो आप परफॉर्मेंस कर पढ़ेंगे तब, ठीक है, वहाँ पे इसका सुपीरियर परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है हमको। इट कैन बी एम्प्लॉयड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड सच एज पेपर पल्प, मडी, सीवेज, वाटर आयल, शुगर मॉल्सेस, जहाँ पे ऐसे वाटर जहाँ पे हमको उसमें सस्पेंडेड सॉलिड भी देखने को मिले, जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिल रही है। ठीक है, जैसे पेपर पल्प, वहाँ पेपर को हमने पिघलाया हुआ है, पेपर सड़ा हुआ है, मडी ऑयल है, ठीक है, मड है वहाँ पे, मडी सॉयल है, ठीक है, सीवेज का वाटर आप जानते हैं कितना गंदा होता है, उसमें क्या क्या गंदगियाँ भी होती हैं, अगर उसको हमको लिफ्ट कराना है जिसका विस्कोसिटी हाई है तब भी वहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये हम हाई स्पीड में रन करा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी सेपरेशन या कैविटेशन के डर में। और आगे बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टली कपल्ड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर और एयर ऑयल इंजन, हम इसको चाहें तो इलेक्ट्रिक मोटर चला सकते हैं या फिर एयर इंजन जो हमारा होता है उससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें टॉर्क ऑन द पावर सोर्स इज यूनिफॉर्म, हम जो टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा इंपेलर मूव करता है वो क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, इसलिए जो हमको आउटपुट मिलता है पंप से वो भी हमारा क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस डिस्चार्ज मिलता है। कैसा, कंटिन्यूअस हमको डिस्चार्ज मिलता है साथियों, तो ये भी हमको ध्यान देना है सेंट्रीफ्यूगल पंप से। और वहीं पर रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमको इंटरमीडिएट डिस्चार्ज मिलता है, ठीक है, आपको झटका फील होगा, ठीक है, अब जब भी यूज करते होंगे तब। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अब कंपोनेंट
पार्ट्स ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप, कंपोनेंट या फिर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो यहाँ पे आपको मेनली जो है वो चार पार्ट देखने को मिलते हैं, क्या? इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। देखिए इम्पेलर क्या है साथियों, यहाँ पे जो वेंट्स लगी होती हैं, जो ब्लेड लगी हुई हैं अंदर, जिस जो हम जो मोटर मूव करता है, ठीक है, जो जो मोटर से ये मूवेबल पार्ट है साथियों, सिर्फ यही मूवेबल पार्ट है जो हमारा इम्पेलर होता है, मूव करता है, ठीक है, वो रोटेट करता है, ठीक है, अलॉन्ग द रेडियस, अलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे ये मूव करता है, ठीक है, और जो वाटर, जिस वाटर हमारा रेडियली फ्लो होता है, तो ये हमारा इम्पेलर है, ठीक है। सक्शन है मतलब कि जहाँ से हमारा वाटर इन करता है, इनलेट, ठीक है, जहाँ से वाटर हमारा अंदर आता है, और जहाँ से वाटर, जिस पाइप के द्वारा हमारा वाटर बाहर जाता है उसको बोलते हैं डिलीवरी पाइप, ठीक है। और इस इम्पेलर के बाहर जो हमारा कवरिंग एरिया है उसको हम बोलते हैं क्या? केसिंग, ठीक है, केसिंग। ये देखिए यहाँ पे केस, ये हमारा हो गया इम्पेलर, ये जो मुंह, ये इसको जो कवर किया हुआ है पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये हमारा हो गया केसिंग, ठीक है। यहाँ से वाटर इंटर करेगा तो हमारा हो गया सक्शन पाइप, इधर से हमारा वाटर बाहर निकलेगा ये हमारा हो गया डिलीवरी पाइप, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इम्पेलर और केसिंग हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पेलर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, आप समझ में आएगा। एन इम्पेलर इज अ व्हील विद अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्स वेंस, यहाँ पे देखिए कैसे वेंस हैं, बैकवर्ड हैं, ठीक है, चलेगा ऐसे चलेगा, ठीक है, ये रोटेट कैसे करेगा, ऐसे, और आप देखिए वेंस कैसे हैं, पीछे जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसा है यहाँ पे बैकवर्ड वेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, इट इज माउंटेड ऑन शाफ्ट विच इज यूजुअली कपल्ड ऑन इलेक्ट्रिक मोटर। अभी आपने यहाँ पे देखा ना, ये इम्पेलर किस पे लगा हुआ है, ये इम्पेलर आप देखेंगे, देखिए शाफ्ट है, ये देखिए शाफ्ट आया ना, इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए बोला गया कि ये शाफ्ट से लगा होता है जो हमारे मोटर या फिर इंजन ऑयल से कपल होता है, जो जुड़ा होता है। इसके अलग अलग टाइप हैं, उसको देख लेते हैं हम। पहला हमारा है श्राउडेड और क्लोज्ड इम्पेलर, यहाँ पे देखिए आप, एक ऐसा है क्लोज है, देखिए इधर से भी क्लोज है, इधर से क्लोज है, और ब्लेड हमारे दोनों तरफ से बंद है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इम्पेलर, ठीक है। हम वहाँ पे पार्ट करते हैं जहाँ पे हमको हाई एफिशिएंसी चाहिए होता है, ठीक है, हमको वाटर से या फिर हमको ज़्यादा हाई एफिशिएंसी चाहिए होता है, तो हम वहाँ पे यहाँ पे क्लोज्ड इम्पेलर लगाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे इसको हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो प्योर है और उसमें कोई गंदगी मिली हुई नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको जहाँ पे डिबेरी से या फिर इम्प्योर वाले लिक्विड में लगाएंगे तो यहाँ पे जाके ये लीकेज, ये ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कोई पॉलीथीन आ गया, फंस गया, तो ये ब्लॉकेज हो जाएगा और इससे हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन केस में लगाया जाता है जहाँ पे लिक्विड हमारा क्या हो, प्योर हो और उसमें कोई गंदगी कूड़ा करकट ना हो। फिर आता है सेमी ओपन इम्पेलर, ठीक है, मतलब कि आधा, देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ से क्लोज था, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से क्लोज है, ठीक है, एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी इम्पेलर, ठीक है। ये वहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा लो कंटेंट सेमी इम्पेलर, थोड़ी बहुत गंदगी है, वैसे उसके जो साइज है, ठीक है, जो पार्टिकुलेटेड मैटर हैं, जो गंदगियाँ हैं, बड़े साइज के नहीं है, छोटे साइज के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं सेमी इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर। बट ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो क्लोज है, ये जो क्लोज वाला है, जिस तरह से बेस लगा हुआ है, ये हमारा इस साइड होता है, किस साइड, मोटर साइड होता है, ठीक है, अंदर साइड, ठीक है। इससे क्या होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो इस तरफ ना जाए, ठीक है, बाहर ना हो पाए, लीकेज को भी बचाता है ये। अगला आता है हमारा ओपन इम्पेलर, ठीक है, यहाँ पे किसी तरफ भी हमारा कोई बेस प्लेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसको हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमको सस्पेंडेड सॉलिड मैटर हमको मिलते हैं पंप लिक्विड में, जैसे मैंने बताया आपका सीवेज हो गया, पेपर पल्प हो गया, या फिर ऐसा जहाँ पे वाटर में हमको सैंड और ग्रिट मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम ओपन इम्पेलर का यूज करते हैं। ये हमारे हो गए इम्पेलर टाइप्स ऑफ इम्पेलर। अब हम बात करते हैं केसिंग क्या होता है साथियों। अब जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे क्या इम्पेलर के बगल ये जो कवरिंग है, अब ये पूरा हमारा आता है केसिंग में, ठीक है। हम बात करते हैं केसिंग क्या है। केसिंग क्या करता है, एक एयर टाइट चैम्बर है जो इम्पेलर, पंप के इम्पेलर के चारों तरफ होता है, ठीक है, पंप के इम्पेलर को कवर करता है बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इट कंटेन सक्शन एंड डिस्चार्ज अरेंजमेंट, ठीक है, किधर से हमारा वाटर आएगा, किधर से आउटपुट होगा, उसमें बियरिंग सपोर्ट करता है, किधर सॉफ्ट इंटर होता है, ठीक है। तो लेट टू हाउस द रोटर असेंबली, रोटर असेंबली में जो मूवेबल पार्ट है, देखिए ये पूरा हमको असेंबली प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये केसिंग पूरा अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको बियरिंग मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे पूरी हाउसिंग, यहाँ पे सक्शन होता है, यहाँ पे बाहर आता है वाटर, डिलीवरी पाइप मिलती है, तो पूरा इसका अरेंजमेंट जो होता है वो केसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट हैज़ टू प्रोवाइड प्रोविजन टू फिक्स स्टफिंग बॉक्स, स्टफिंग बॉक्स आते हैं, ये भी बता दें, यहाँ पे ये वाला जो अरेंजमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जहाँ से हमारा मोटर और इसका शाफ्ट जो कपल होता है ना उसको बोलते हैं स्टफिंग बॉक्स, ठीक है, उसको यहाँ पे अरेंजमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है।
पैकिंग मटेरियल, ताकि हम कोई लीकेज वहाँ पे ना हो पाए। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, टू गाइड वाटर टू एंड फ्रॉम द इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर में वाटर को लाना और इम्पेलर से बाहर ले जाने को जो गाइडेंस होता है प्रोवाइड करवाता है हमारा केसिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में भी चेंज करता है। ये दो चीज़ हमारा ये मेन फंक्शन है, बाकी ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं केसिंग में। इसके बाद तीन टाइप हैं, एक हमारा है वैल्यूड केसिंग, एक हमारा है वर्टेक्स केसिंग, एक होता है हमारा केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। आइए हम सभी को जानते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ केसिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेज द फ्लो एरिया फ्रॉम द इम्पेलर आउटलेट टू द डिलीवरी पाइप, रिड्यूसिंग फ्लो इलास्टिसिटी एंड कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। आप ये फेकर देख के परेशान मत होइएगा साथियों, ये हमारा वर्टेक्स केसिंग का है। ठीक है, सेकंड वाले का। वैल्यूड केसिंग क्या होता है, आप जब वैल्यूड केसिंग देखेंगे ना, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये चीज़ है ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे आपको बढ़ता चला जाएगा, ये सेंटर में ही रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे इस साइड आपको कम स्पेस मिलेगा, और इस जैसे आप इधर मुड़ते जाएंगे वहाँ पे आपका एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, एरिया आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यूड केसिंग में, अच्छा इसका इसलिए क्या होता है, देखिए वाटर इंटर किया, आप देख रहे हैं ना ये रेडियली फ्लो हो रहा है। अब जब वाटर इसमें आएगा ना, वाटर इसमें आया, तो अब क्या किया ये धीरे धीरे, देखिए अब यहाँ पे एरिया बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलास्टी। ठीक है, डिस्चार्ज तो यहाँ पे सेम जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज सेम जाएगा। अब जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा, हमारी वेलास्टी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे इतना एरिया उसको मिलेगा, तो यहाँ पे वेलास्टी और कम रहेगी, लेकिन जब वेलास्टी कम होगी तो हमारा क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में, जैसे हमारा वेलास्टी कम हो रहा है तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्रेशर में। वेलास्टी कम होगी तो हमारा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो उस टाइप में हमारा क्या होता है, वैल्यूड केसिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक वर्टेक्स केसिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक केसिंग इंक्लूड हो जाती है, एक सर्कुलर चैम्बर होता है इम्पेलर और वैल्यूड चैम्बर में। वैल्यूड चैम्बर में क्या था, तो ये बाहर वाला जो था, अब यहाँ पे इम्पेलर ये था, इसके बीच में एक और चैम्बर इंक्लूड कर देते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स चैम्बर। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वर्टेक्स चैम्बर नोन एज वर्टेक्स और वर्लपूल चैम्बर, इसको हम वर्टेक्स या वर्लपूल चैम्बर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज होती है, वो पहले ही वैल्यूड चैम्बर के पहले ही। ठीक है, इस चैम्बर में जाते ही, बाहर चैम्बर में जाने से पहले ही हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हम इसके लिए यहाँ पर यूज करते हैं, जिसके कारण ये मोर एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, एक वैल्यूड चैम्बर से, एक वैल्यूड केसिंग के हिसाब से, ये जो वर्टेक्स केसिंग वाला हमारा पंप होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब आगे हम बात करते हैं केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। ठीक है, ये क्या है, आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे आपको केसिंग मिल जाती है। ठीक है, इसका चैम्बर और कम हो जाता है, ये साथियों क्या होते हैं, ये जैसे मैंने यहाँ पे आप फोटो देखे थे अभी, ये वाला, ये देखिए आप, ठीक है, ये क्या है, ब्लेड भी हैं और एक केसिंग भी है, इसको हम बोल सकते हैं कि केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। ठीक है, यहाँ पे वेंस आपको देखने को मिलेंगे, दोनों तरफ से आपको बंद मिलेगा, और ये वाला आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट ये देखने को मिल रहा है, ये वाला साथी, इसके कारण ये चेंज हो रहा है, ये वाला जो है। ठीक है, इसको हम एज ए डिफ्यूजर वर्क करता है, जैसे वाटर आया तो अलग अलग चैम्बर से यहाँ पे वाटर निकलेंगे। ठीक, अलग वाटर से यहाँ पे वाटर निकलेगा और इसको गाइड करेगा वाटर को। ठीक है, द लिक्विड पास थ्रू द पैसेज विथ इंक्रीज एरिया, रिड्यूसिंग वेलासिटी एंड कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी इंटू प्रेशर। ठीक है, ये सभी आपको सभी में, चाहे जो केसिंग हो, तीनों में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दीज पंप्स हैव एफिशिएंसी बट आर मोर एक्सपेंसिव एंड लेस वर्सेटाइल। ये क्या है, मोर एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पर साथ ये वाला जो अरेंजमेंट कर दिया ना, इससे इसका जो कॉस्ट है बढ़ जाता है, वो वर्सेटाइल नहीं रह पाता। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया था कि हमको सस्पेंडेड पार्टिकल भी हमको मूव करवाने हैं, तो यहाँ पे देखिए नहीं मूव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ आके फंस जाते हैं। ठीक है, इस केस में जो एरिया होता है ना, यहाँ पे जो सस्पेंडेड पार्टिकल है या जैसे पॉलीथीन गया, तो यहाँ फंस जाते हैं। ठीक है, इसके लिए वर्सेटाइल नहीं रह पाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द वैल्यूड केसिंग में। ठीक, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। केसिंग हो गया साथियों, आपको देख लीजिए, वर्टेक्स केसिंग हो गया यहाँ पे, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। आपको इमेज भी बनानी पड़ सकती है, केसिंग अगर पूछ लिया तो आपको इमेज बनानी पड़ जाएगी, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप, या फिर एक नज़र आप देख लीजिए ताकि आप वहाँ पर कुछ भी तो ड्रा कर पाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है, आप देखे होंगे पंप, आराम से देखे होंगे, मैं देखाता हूँ कि आपके घर में भी हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल पंप,
ठीक है, बट आपने इसको ओपन नहीं किया, इसकी केसिंग को नहीं देखा, क्योंकि आपको जो मोटर आता है हर तरफ से क्लोज्ड होता है, आप उसको लगा देते हैं और वाटर अपने घर में वाटर टैंक भरने लगते हैं। ठीक है, जो वही वाटर जिसे टैंक आप घर में भरते हैं ना, ऊपर की टंकी, पानी वाली टंकी, वही वाला पंप जो होता है आपके जो नल में लगा होता है, ठीक है, वही वाला पंप है, वही समझिएगा। ठीक है, सारा चीज़ वही है। आइए हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बिगड़े बड़े फिगर मैंने इसको देखा हूँ, यहाँ पे फ्लूड इन हो रहा है, यहाँ फ्लूड आउट हो रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार के हमारे कर्व हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, बैक कर्व है। ठीक है, बैकवर्ड हमारे जो ओके वो हैं वेन है, कैसे बैकवर्ड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा नीचे वाला जहाँ से हमको पानी उठाना है वो एरिया देखते हैं। ठीक है, पानी उठाना है, पानी इधर फ्लो होगा, यहाँ पंप तक आना है। अब पहले होगा क्या, देखिए वाटर पूरा फुल है। ठीक है, वाटर पूरा फुल कर देते हैं। देखिए आप जब चलान पहले वाटर फुल करते हैं ना, वाटर फ्लो हो गया। अब क्या हो गया, अब ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है जो किसी मोटर से या फिर ऑयल इंजन से हमारा जुड़ा होगा। ठीक है, अब ये करेगा मूव करेगा, मूव कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे ये वाटर इधर आ रहा है, ये हमारा इस तरफ से मूव करेगा इस तरफ का। ठीक है, इसका जो एंगल वेलोसिटी होगी इस साइड का होगा। अब ये मूव करेगा, इसमें जो वाटर वो कैसे आएगा, आउटवर्ड बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप हाई स्पीड पे चलना स्टार्ट होगा, उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वाटर बाहर जाएगा तो स्पेस खाली होगा, वहाँ से हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा, प्रेशर हमारा लो होगा, जिसके कारण यहाँ पे ये वाटर जो नीचे वाला वाटर है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा अपवर्ड में। ठीक है, अपवर्ड में वाटर मूव स्टार्ट करना होगा। जैसे ये मूव करना स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक फुट वाल्व होता है जो इस साइड होकर के ओपन हो जाता है। ठीक है, ओपन हो जाता है। अब फुट वाल्व क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्टेनर लगा होता है और फुट वाल्व लगा होता है। फुट वाल्व ये करता है, जैसे हमने पंप को बंद किया तो फुट वाल्व हमारा क्लोज होएगा, जिसके कारण से वाटर नीचे वापस ना जा पाए और हमारा यहाँ पे हेड मेंटेन रहे, जिसको भी बोलते हैं ना NPSH। ठीक है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, वो अभी मैं पढ़ाऊँगा आपको लास्ट में, तो वो यहाँ पे मेंटेन होता है। ठीक है, तो फिर ये बंद हो जाता है। स्टेनर इसलिए लगा था कि यहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं ऊपर पाइप में आ ना पाए। ठीक है, ये हमारा था। यहाँ पे सक्शन फ्लेंज होता है, ये क्यों होता है, यहाँ पे जो सक्शन पाइप है इसको मोटर के जो हमारा इनलेट है उससे अटैच करने के लिए यहाँ पे एक सक्शन फ्लेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नट बोल्ट लगा टाइट कर देते हो, ये हमारा अंदर पार्ट हो गया, इम्पेलर हो गया, यहाँ पे केसिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो यहाँ तो वाटर आ गया, जैसे मूव किया ये बाहर जाना स्टार्ट होगा। ठीक है, बाहर जाना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, डिलीवरी पाइप हमने ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व भी लगा रखा है, ये डिलीवरी फ्लेंज, जो डिलीवरी पाइप जो है ना मोटर के जहाँ पे अटैच करते हैं उसको हम डिलीवरी फ्लेंज बोलते हैं, फ्लेंज। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नट बोल्ट देखने को मिलेगा, नट बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं ताकि पाइप को ऐड करते हैं। ठीक है, फिर ये डिलीवरी पाइप हमारा ओवरहेड टैंक तक जाता है, जहाँ पे इसको वाटर को स्टोर करना है। ये थोड़ा सा इस प्रकार से मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डिजाइन डायग्राम ड्रा करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो ये वाटर ऑफ सम्प है, ठीक है, यहाँ से हम पानी स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से जो सरफेस लेवल है, ठीक है, वाटर का, और इसके आई सेंटर तक का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम HS, मतलब कि सक्शन हेड। और सेंटर ऑफ आई, देखिए सेंटर लाइन ऑफ द पंप से हम जहाँ पर हमारा जो ओवरहेड टैंक का जो हमारा लेवल है, ठीक है, उसके हेड को बोलते हैं हम डिलीवरी हेड। ठीक, कुछ वर्किंग होता है, आप वीडियो देख सकते हैं, आप वीडियो शायद मैं नहीं लाया, बट आप यहाँ समझ सकते हैं कैसे पानी होता है, आप देखते हैं कैसे वाटर हमारा फ्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आता है, वर्क डन बाय द इम्पेलर और सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन लिक्विड, कितना हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, इम्पेलर द्वारा या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा, किस पे, लिक्विड पे। साथियों, आपको डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, फिर मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, बट आपको फार्मूला यहाँ पे बता के जाऊँगा। ठीक है, और एक आता है वेलोसिटी ट्रायंगल, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये पूरा प्लेलिस्ट विद न्यूमेरिकल 5 के 5 यूनिट आपको तैयार रहे, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और अपने खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने आसानी से पूरा लेक्चर अरेंज किया गया, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप डेली, अभी आपको एग्जाम डेट शीट आ गया है, आपको जब एग्जाम डेट शीट आ गई तो आप समझ पाएंगे हमारा आपका एग्जाम कब है, उसके हिसाब से आप देखते जाइएगा और आप आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और चैनल पे बने रहिएगा। आइए हम इसमें कुछ एजम्पशन थे उसको देखते हैं पहले। ठीक है, एजम्पशन तो होते ही होते हैं, कुछ हमको एज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन से एजम्पशन हैं, यहाँ बोला गया लिक्विड इंटर्स द इम्पेलर आई इन रेडियल डायरेक्शन, मतलब वही बात ना, रेडियल डायरेक्शन में, देखिए आया, फिर ये रेडियल डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे है ना, रेडियल डायरेक्शन में हमारा बाहर इंटर कर रहा है। ठीक है, द व्हर्लपूल कंपोनेंट VW1, ये वेलोसिटी है। ठीक है, ऑफ द इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 इज 0।
ठीक है, इनलेट टाइम पे, क्योंकि ये रेडियली डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ल कंपोनेंट है VW1 ये हमारा क्या होगा, ऑफ इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगा, ये जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो। द फ्लो वेला कंपोनेंट VF1 इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इटसेल्फ, मतलब कि हमारा जो होगा VF1 क्या है, VF1 ध्यान दीजिएगा, फ्लो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, फ्लो कंपोनेंट है, ठीक है, VF1 इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा VF1 इक्वल टू V1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में, ओ फिगर में, ठीक है। और एक यहाँ जंक्शन है, नो एनर्जी लॉस इन द इम्पेलर ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड एडी फॉर्मेशन, फ्रिक्शन या एडी फॉर्मेशन के लिए के कारण हमारा इम्पेलर में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, नो लॉस ड्यू टू शॉक एट एंट्री, ठीक है, जब वाटर इंटर करता है तो वहाँ पे शॉक लगता है उसको, लेकिन वहाँ भी हमारा कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। और बोला गया देयर इज अ यूनिफॉर्म इलास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द नैरो पैसेज फ्रॉम द बिटवीन टू एडजेसेंट वेन्स, लेकिन हमारा जो यहाँ पे वेन्स हैं उनके बगल बीच में हमारा जो इलास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इतने हमको एजप्शन मान के चलने हैं, ठीक है, क्योंकि एजप्शन लिखने को मिल जाता है, यदि यदि आपको बोला गया वर्गडन कितना है या फिर सेंट्रिफ्यूगल पंप के डेरिवेशन में या फिर वर्गडन में हमारा कौन कौन सा एजप्शन माना गया है वो भी आपको राइट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको समझना है, ठीक है, क्या चल रहा है, देखिए आपको ये फिगर मैंने दिखाया था, ठीक है, तो इसका एक जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन मान लीजिए कोई एक सेक्शन यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है, ये वाला सेक्शन ऐसे लिया गया है ये, ठीक है, जहाँ पे आपको एक वेन देखने को मिल रहा है, ये क्या हमारा वेन है, ठीक है, ये वेन है, यही वेन यहाँ पे हमको दिखाया गया, ठीक है, और ये क्या है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, आपको मैं समझा दूँ ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। अब जब वाटर इसमें आता है, जब ये मूव होता है, तो इसमें क्या होगा, वाटर यहाँ पे जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, वाटर यहाँ पे अटैच करेगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो ये वाटर जो है, ये वेलोसिटी यहाँ पे ड्रा किया गया, ये वाला ये वाटर ऐसे इनलेट हो रहा है, ठीक है, अभी यहाँ से टकराएगा तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ पे वेन्स हैं, ये अब क्या करेगा, यहाँ बैकवर्ड है, तो जब ये वाटर टकराएगा तो फिर ये कैसे करेगा, वाटर का फ्लो कैसे होगा, ऐसे आगे फेंकेगा ना, जैसे ये जा रहा है ना, ऐसे फेंक दिया, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी ये है, ये आउटलेट वाला है वेलोसिटी और ये इनलेट वाला है, ठीक है। और ये सेक्शन मैंने जो बताया आपको, ये वाला सेक्शन मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कभी पता नहीं चलता बच्चों को कि यह बनाया क्या गया, तो ये यहाँ पे लिखा ना वेन, रोटेशन इसका ऐसा है, इस प्रकार का रोटेशन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेंटर, देखिए एक रेडियस यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो ये ही हमारा क्या है, R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 है। अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात करें आउटर वाला, तो इसको हम बोलते हैं R2, ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी चीज़ समझ में आ गए। अब और चीज़ें क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। पहले बताया कि इंपेलर एट इनलेट, ठीक है, इनलेट का इंपेलर का जो इंपेलर का इनलेट डायमीटर है, इनर डायमीटर, वो कितना है D1। अगर हम R की बात करें आर्ट इंटर में, तो हमारा क्या हो जाएगा D1/2, ठीक है। जो इंपेलर का स्पीड है वो हमारा क्या है N, इसको बोलते हैं स्पीड इंपेलर इन RPM, ओके। एंगुलर वेलोसिटी जहाँ पे हमारा स्पीड है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पे, उसको बोल उसका हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा 2πN/60 रेडियन पर सेकेंड, ओके, ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे एक टेंजेंशियल वेलोसिटी निकलेगी, यहाँ पे हमारा क्या था वेलोसिटी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है, जिसका हमारा जो ये देखिए यहाँ पे इसके टेंजेंट में टेंजेंट के लॉन्ग होगा, ये हमारा क्या है U1, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनलेट वेलोसिटी, ठीक है, इनलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है, ये हमारा क्या है U1। अब देखिएगा, अब इसको हम यहाँ से अगर मैच कराएं तो जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है, VR1 हमारा क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट इनलेट, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी का जो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा क्या है थीटा, ठीक है, एंगल देखिए थीटा क्या हमारा एंगल मेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है ना ये वाला, तो किस डायरेक्शन में वेट कर रहा है, फिर इसको बोल सकते हैं हम हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ हमारा जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं हम थीटा, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, अब यहाँ पे अल्फ़ा भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको अल्फ़ा मैंने पीछे बात किया था, तो एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये V1 क्या था हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी था एट इनलेट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेन, ठीक है, मोशन का वेन किधर है ऐसे मूव कर रहा है ना, तो इसके जो हमारा एंगल है, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ हमारा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा अल्फा है। अब ये क्या होता है कि देखिए यहाँ पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारा वाटर यहाँ पे इंपैक्ट जाता है, इनलेट होता है, इसलिए यहाँ पे जो अल्फा इक्वल टू होगा यहाँ पे वो हमारा 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। और सारी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ हमारी थी किस पे, इनलेट पे बात हो रही थी, ठीक है, इनलेट पे।
VF1 क्या, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, वेलास्टी ऑफ फ्लो एट इनलेट, ठीक है, ये वेलास्टी ऑफ फ्लो है, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट वेलास्टी है, यहाँ पे R लिखा है तो हमारा क्या है, रिलेटिव वेलास्टी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है, वाटर जब यहाँ पे वेन से टकराएगा तो कैसे होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा एब्सोल्यूट वेलास्टी हमारा इस प्रकार से कुछ कंपोनेंट बनाएगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, ओके, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ जो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपोनेंट जो, अब यहाँ पे जो वाटर डायरेक्शन है वो किस कैसा है, ऐसा है, ठीक है, ये वाटर का हमारा डायरेक्शन है, और जो वाटर का टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे U2, ये आउटलेट की बात हो रही है, ठीक है, आउटलेट कितना होगा, U2, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब हम मिलाते हैं तो हमारा होता है रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, इसका डायरेक्शन कैसा है, देख लीजिए, ये आउटवर्ड है, ठीक है, डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा। अब इसका एक कंपोनेंट, इसका अगर कंपोनेंट तोड़े तो एक 90 एंगल कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको फ्लो वेलोसिटी मिलेगी ये वाला, ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डिस्टेंस होगी हमारी होगी फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट आउटलेट की बात करेंगे, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ना, इसको बोलते हैं वर्ल कंपोनेंट, ठीक है, वर्ल मतलब जो भंवर बनते हैं, ठीक है, एट आउटलेट, ठीक है, आउटलेट दो मतलब क्या है हमारा, आउटलेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप बीटा क्या है और फाई क्या है वो भी आप समझ पाएंगे, बीटा क्या आप देख ये पाइएगा कि ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, जो हमारे टेंजेंशियल वेलोसिटी का आउटलेट पे जो एंगल बन रहा है, आउटलेट का दोनों लेंगे, ठीक है, वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आउटलेट एट आउटलेट, ठीक है, एंड बिटवीन किसके साथ, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट आउटलेट का जो एंगल बन रहा है बीच में, उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं बीटा, ठीक है। और फाई क्या है, यहाँ पे देखिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है, यहाँ पे साई नहीं है हमारा, क्या है, फाई। तो इस पूरे फिगर को हम बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। आपको एग्जाम पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी डेरिवेशन कुछ नहीं करना, ना कुछ एक्सप्लेन करना है, आपको ये फिगर बनाना है और आपको ये कंपोनेंट सारा लिखते हुए चले आना है, ठीक है, ये लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, एक या दो वीडियो लूँगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करवा दूंगा जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आप एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, क्या वेलोसिटी ट्रायंगल पूछे तब भी आपको फिगर बनाना है, वर्गडन पूछ रहा है तब भी यहाँ पर पूछना बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं, वर्गडन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड कितना होगा, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं HE से, ठीक है, कितने, किससे, HE से, हेड के टर्म में हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी हेड। तो वर्क डन पर सेकेंड, ध्यान दीजिए, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे देखिए क्या है फॉर्मूला, V1² - V2² - V1² / U2² - U1² / U1² / V2G + VR1² - VR2² / 2G, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2-1 है, 2-1 है, लेकिन यहाँ पे 1-2 है, ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला आप यहाँ से ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे तीनों अलग अलग टर्म है, देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये वाला जो टर्म है V2² - V1² / 2G, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी या फिर डायनेमिक हेड को डिनोट करता है, ठीक है। वहीं पर जो सेकेंड टर्म है U2² - U1² / 2G, ये हमारा इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर को डिनोट करता है, ठीक है, किसको, स्टैटिक प्रेशर को। और वहीं जो थर्ड टर्म है, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो टर्म है VR1² - VR2² / 2G, ये हमारा डिनोट करता है रिटार्डेशन ऑफ द फ्लो, ठीक है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है ड्यू टू रिटार्डेशन, ठीक है, वो यहाँ पे ये चेंज ये बताता है हमारा जीवाला टर्म, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्गडन था, ये हमारा फार्मूला हमको याद रखना है साथियों, ये आपसे न्यूमेरिकल में आप मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो मैं इस सभी का यूज करूंगा, ठीक है। इसको हम और चीज़ क्या बोलते हैं, देखिए इस वाले इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राइट, 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि आप राइट द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो आपको ये वाला इक्वेशन लिखना है और ये तीनों चीज़ जो है ये आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो साथ ही ये तो मैं आज बताया आपको, क्या क्या बताया मैं आपको बताया यहाँ पे, पहले मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, टाइप ऑफ केसिंग, वर्किंग हेड, लिक्विड हैंडल के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्टेक्स इंपेलर पर साफ, नंबर ऑफ इंटर्न्स इनटू द इंपेलर और रिलेटिव डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बताया कितने टाइप्स के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं इंपेलर के, फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तब ये मैंने बताया एडवांटेज। अब क्या सकते कभी दे जाएगा आपको कि इसके डिफरेंस करिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में और रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, आप ऐसा नहीं लिखना, मतलब तब आप आराम से इसी पढ़े रहेंगे ना तो आपको दोनों लिख पाएंगे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसा होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा कैसा होता है। फिर हमने मेन कंपोनेंट बताया इंपेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, ठीक है, इंपेलर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, केसिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप थोड़ा समझाया,
इतना ही होता है साथियों, आपको डायग्राम याद रखना है किसका किसका, सेम चीज़ सब लोग सेम है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का और सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, डायग्राम और वर्किंग, ठीक है। फिर हमने वर्क डन बताया, उसके एजम्पशन को आपको याद रखना है, क्या मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आप इसमें से कुछ मिस किए ना, आपका एग्ज़ाम अच्छा या फिर कहीं इफेक्ट जरूर पड़ेगा नंबर में आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इलास्टिक ट्रायंगल आपके सिलेबस में भी इलास्टिक ट्रायंगल आराम से मेंशन किया गया है, इसलिए इसको याद करना मत भूलिएगा, इसको नज़र में रखना मत भूलिएगा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और हाँ साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों जब आपके दोस्त वीडियो को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो मेरा जो पुराना सिलेबस है KCE 403 कोड का, वो उनको मिलता है और वो सही से देख नहीं पाते, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको जो नया सिलेबस हमने बताया ना BCE 403 जो बी सीरीज का है, ये वाला आप रिलेट जरूर शेयर कर दीजिए, या फिर यही वीडियो शेयर कर दीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वो देख लेंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।